बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद एनी। आज मैं आपके सामने बहुत ही मज़ेदार किस्म की नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है कीमे वाली मैक्रोनीस। चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, चाहे तो आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली का पाउडर, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाइनीज साल्ट, अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो ना डालें, 1 टीस्पून नमक, स्मॉल बाउल बंद गोभी का मैंने लिया है और ये मैंने स्लाइस काट लिए हैं, 1 स्मॉल बाउल मैंने लिया है गाजर जो कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है, 1 स्मॉल बाउल शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है, कीमा 250 ग्राम, 2 टेबलस्पून ऑयल, 200 ग्राम मैक्रोनीज लिए हैं जिसको मैंने पानी में बॉयल कर लिया है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आँच लो रखी है, अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब कीमे का कलर हल्का सा वाइट हो जाएगा तब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये देखें कीमे का कलर वाइट हो गया है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे कीमे को। चूल्हे की आंच मैं थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ, लो टू मीडियम कर रही हूँ, मीडियम पे जा रही हूँ। ये देखिए जी, कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। टोमेटो केचप पहले डालूँगी, आँच हमने स्लो रख दी, इसको मिक्स करूँगी। सोया सॉस डालूंगी, हॉट सॉस डालूंगी, फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब मैं इसकी आंच लो टू मीडियम रखूंगी, लो से मीडियम के दरमियान। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम भूनेंगे कीमे को, ताकि इसकी महक दूर हो जाए। अब मैं आंच इसकी लो कर रही हूँ। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। मैं गाजर इसलिए पहले ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम लेती है गलने में। ढकना ढक कर मैं इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी, तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और साथ ही बंद गोभी भी। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, चाइनीज साल्ट, काली मिर्चों का पाउडर और रेड चिली पाउडर। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आँच आपने स्लो ही रखनी है ताकि ये सब्जियाँ गल जाएं। अब मैं इसको ढकना देकर इसको 10 मिनट तक दम पे रख दूंगी ताकि ये सब्जियाँ बिल्कुल गल जाएं। आँच आपने स्लो ही रखनी है। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसका ढकना उठाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्जियाँ गल चुकी हैं। अब मैं इसमें मैक्रोनीज ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। इतनी मज़ेदार किस्म की कीमे वाली मैक्रोनीस तैयार हो चुकी हैं। अब ये सर्विंग प्लेट में निकालने के लिए तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और उम्मीद करूंगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर ये आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।